हेलो फ्रेंड्स, अमेंडमेंट सीरीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिन बच्चों ने एसएफएम सीए फाइनल का मेरे से क्लास लिया था, अब जो न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको यह बताना है कि क्या क्या चेंजेस हैं। उसमें हमने पहला सीरीज़ आपको दे दिया है, पार्ट वन ऑफ द सीरीज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने आपको एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का आपने लगभग 60 से अबव कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है ना? मेरा मानना है कि आपने ये कंप्लीट कर लिया। इसके नोट्स, इसके कॉन्सेप्ट लिस्ट और इसका वीडियो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जिनको नहीं मिला है वो किस तरह से उनको मिलेगा ये भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? सो आई होप कि ये पार्ट वन जो मेरा एक नया चैप्टर ऐड हुआ है वो सबका कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट कर रहे हैं। एक तो ये आपको करना ही करना है, मस्ट है, ये मस्ट है। उसके बाद अब मैंने जो मेरी करेंट बैच एएफएम की कंप्लीट हुई है उससे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल दिए हैं जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चेंज हो गए हैं, ठीक है ना? इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने एकदम लेटेस्ट बैच ज्वाइन किया था मेरा एसएफएम का, तो हो सकता है कि आपका वो ऑलरेडी किया हुआ हो। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले चैप्टर वाइज चैप्टर, मैंने जो जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगते थे मैंने स्टार्टिंग से पकड़ा है, लर्न टू अर्न बैच। और लर्न टू अर्न बैच से बहुत अगर पुराने बच्चे हैं उनको तो फिर नया लेक्चर या नया नोट्स लेना पड़ेगा, नया किताब लेना पड़ेगा। लर्न टू अर्न बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं। अब ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि सर हमारा तो ये कॉन्सेप्ट किया है टाइप्स ऑफ मार्केट इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड शेयर, लेकिन कुछ बच्चे कहेगा कि सर ये मेरा नहीं किया हुआ है। तो बेटर ये, मैंने क्या किया, मैंने दे दिया है, ठीक है ना? जिनका किया हुआ है वो रहने दीजिएगा, जिनका नहीं किया है वो कर लीजिएगा। जैसे मेरा जैसा मानना है, वॉल्टर मॉडल बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत लोगों ने नहीं भी किया है। वॉल्टर मॉडल नॉर्मली इंटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फाइनल में भी एक क्वेश्चन उन्होंने वॉल्टर मॉडल का डाल दिया है, तुमने वॉल्टर मॉडल यहाँ पे भी कवर करा दिया है। मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम एंड एडिशनल सेल्स विच कैन बी अचीव्ड विदाउट एडिशनल बोरिंग, ये किसी ने भी नहीं किया होगा लर्न टू अर्न बैच में। तो सर ऐसे तुम्हारा टाइम लग जाएगा, हम वीडियोस देखेंगे कौन सा है कौन सा नहीं। भाई नहीं, आपको मैंने क्या किया है, आपको मैंने नोट्स दे दिया है, आपको मैंने पूरा नोट्स दे दिया है। वो नोट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ये पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। ये 125 पेज का नोट्स है, एडिशन टू जो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का मैंने आपको अलग से नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। सो वह तो देखना ही है, प्लस अब आपको ये भी देखना है। तो इसमें क्या है, आप पहले ही वीडियो में मत जाइए, पहले वीडियो में मत जाइए, पहले आप क्या कीजिए, पहले नोट्स में जाइए। जैसे 19B आप सॉल्व करिए, आपका तो ऑलरेडी 3 से 4 बार एसएफएम किया हुआ है, फिर आप सॉल्व करिए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करे हुए हैं और सॉल्यूशन भी सेम है, आंसर भी सेम है, तो आपको फिर इसका वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से मैंने आपको सबका क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, जिससे आपका टाइम कम से कम लगे, वो मैंने आपको दे दिया है। आप क्वेश्चन नंबरिंग मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबरिंग मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हर बैच में कॉन्सेप्ट नंबरिंग और कॉन्सेप्ट नेम अलग अलग होते हैं, हर बैच का अपना अपना एक नियम होता है। आप अपने बैच पे रहिए, आपको अपना बैच का पूरा कंप्लीट करना है प्लस ये एडिशन करना है। और आप कुछ मत सोचिए सर वहां तो आपने ज्यादा कॉन्सेप्ट कराया, यहाँ कम कराया। जब मैं कह रहा हूं कि आपको भी 100% मार्क्स सिक्योर करना है तो मैं आपको कम क्यों करवाऊंगा। वैसे भी मेरा तो ऐसे ही मेरा नाम है कि सर इतना ज्यादा कवर करा देते, इतना ज्यादा कवर करा देते कि सर के मेटल के बाहर से आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना? अब जैसे ये 29 नंबर क्वेश्चन है, तो आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में देख पाएंगे ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये मैट में कवर नहीं होगा किसी के भी। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर आपको
एसजीआर कॉन्सेप्ट लगाते हुए आपको यहां पर ग्रोथ रेट निकालने के लिए बोला है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये आप तुरंत वीडियो में जाइएगा और ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके साथ कॉन्सेप्ट नंबर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है। थोड़ा सा बस मेहनत, हल्का सा थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, हालांकि मैंने बिल्कुल रेडीमेड काम कर दिया आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो फिर भी आपके एंड पे रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप पहला पार्ट जो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का है वो तो आपको पूरा ही करना है, वो तो एकदम ही नया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप ये नोट्स लीजिएगा और आप ये नोट्स पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। सो ये आपको पूरा, और जहाँ आपको लगता है यार इसका सॉल्यूशन चेंज है या इसका ये नया क्वेश्चन है, तो आपको इसका वीडियो भी दे दिया गया होगा, तो वीडियो से कर लीजिएगा। जैसे यहां पर आप एक क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 40A, मैं बता दे रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी हो। 40A के क्वेश्चन और सॉल्यूशन में बदलाव है। 40A ये कौन सा चैप्टर का है, ये चैप्टर है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हो सकता है नंबरिंग अलग हो आपके बुक में, ये क्वेश्चन आपके बुक में था, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, लेकिन इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन में बदलाव है, तो मैंने यहां पर इसको डाल दिया है, ठीक है ना। 40A। इसी तरह से और भी चीजें हैं, फाइन। एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, उसका भी हमने सॉल्यूशन चेंज किया है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, हो सकता है बहुत लोगों ने किया नहीं किया, इसका भी हमने सॉल्यूशन चेंज किया है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसका भी सॉल्यूशन हमने चेंज किया है। क्वेश्चन 30A में ये भी आपके बुक में है, लेकिन नंबरिंग अलग हो सकता है, इसका भी हमने सॉल्यूशन चेंज किया है। जो दो फिनेंशियल ईयर में हमें रिटर्न निकालने बोलता था, आप अगर रिवीजन करे होंगे तो आपको ये सॉल्यूशन पता होगा, इसका भी हमने सॉल्यूशन चेंज कर दिया है। इसमें हमने क्या सॉल्यूशन चेंज किया वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो में मत जाइएगा सीधा, आपको लगेगा फिर रिपीटेशन, आप सीधा नोट्स उठाइएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी SFM किया हुआ है अच्छे से, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। आप नोट्स उठाइएगा और आप ये नोट्स सारे कर लीजिएगा, जहाँ आपको दिक्कत आए वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन आपके SFM में अलग है और इसमें अलग है, तो आपको यह सॉल्यूशन फॉलो करना है, ये सॉल्यूशन फॉलो करना है, वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करना है। मेरे ख्याल से इससे सिंपल मैं आपको करके नहीं दे सकता था, इससे सारे बच्चे कैटर हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको अपना बैच का मटेरियल करना है, और आपको जो मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू के नाम पे मैंने नोट्स दिए हैं। पार्ट वन में तो मैंने बिल्कुल ऐसा दिया कि वो तो करना ही करना है, वो नया चैप्टर, और पार्ट टू में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको लगता है करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि आपके क्लास में नहीं हुआ था तब करिएगा, कुछ आपको चेंजेस लगता है, अमेंडमेंट्स लगता है तो आप करिएगा, ठीक है ना, फाइन। सर कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट का लिस्ट कैसे मिलेगा, क्लास नोट्स बच्चे जो मांगते हैं, तो हम लोग क्लास नोट्स तो इतना मेंटेन नहीं करते, लेकिन अपने एंड पे हम लोग क्या करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को एक धागे में पिरो के दे देंगे, और आपको हम क्या कर देंगे, आपको हम लोग एक चालीसा बुक देंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको SFM जो आपको किया है उसको 5 times रिवीजन करना है फुल। सर रिवीजन कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बस रिवीजन ऐसे करना है कि एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाए। सर क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके मैट में, हाँ सारे करने। सर क्या हाथ से करके करने, वो भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप हाथ से किए बिना भी अगर आप क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को समझ पा रहे तो अच्छी बात है, फिर आप क्यों टाइम खराब करेंगे, बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, बार बार IRR कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, बार बार NPV निकालने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ों में तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, बार बार कोफिशन ऑफ वेरिएशन निकालने में, बार बार आर निकालने में, को वेरियंस निकालने में कोई मतलब नहीं है, बार बार ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने में कोई मतलब नहीं है, बार बार कॉन्वेक्सिटी निकालने में कोई मतलब नहीं है। एक बार अच्छे से कर लो तो आपका आराम से सब चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना मेटेरियल पढ़िए 5 times। सर सारे क्वेश्चन करने, हाँ
कुछ क्वेश्चंस को मैंने कट कर दिया है, उसका लिस्ट आपको अमेंडमेंट ग्रुप में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 10-12-15 क्वेश्चंस मैंने कट कर दिए, उसको आप कट कर सकते हैं, वो आपको लिस्ट मिल जाएगा ग्रुप में। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप अमेंडमेंट्स करिए, अमेंडमेंट्स एडिशन आपके बैच के बाद जितने भी नए क्वेश्चंस आए वो सब हमने पार्ट वन और पार्ट टू विथ वीडियो विथ नोट्स सब दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। फिर आप क्या करिए, फिर आप करिए, ठीक है, सबसे पहले SFM आपको 5 times रिवीजन करना है। इसमें जो कट 10-12 क्वेश्चंस नहीं करने उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको अमेंडमेंट्स करना है, अमेंडमेंट करना है, इसका पार्ट वन और पार्ट टू नोट्स वगैरह मैं अभी आपको अपलोड कर दे रहा हूँ। वीडियो के लिए थोड़ा सा 2-4 दिन और लगेंगे, हालांकि हमारे पास सब चीज़ रेडी है, बस अपलोड करने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो थ्योरी, अपडेटेड थ्योरी का सॉफ्ट कॉपी बुक मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी बुक मिलेगा, ठीक है, ये मैं आपको डाल दूंगा, ये आप कर लीजिएगा। श्योर शॉट आपको 20-25 नंबर यहाँ मिलेंगे। फिर आपको मैं एक 40 बुक दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी का, जिसमें जितने भी फॉर्मुलेज आपके पूरे AFM में यूज होते हैं वो सारे आपके काम के आ जाएंगे। उसके बाद जो MCQs इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने अभी तक हमें RTP MTP हम वेट कर रहे हैं, न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न हम वेट कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, MCQs क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एक पूरा केस स्टडी रहेगा फिर MCQ रहेगा, या डायरेक्ट MCQs रहेंगे, एक एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा और 4 आंसर रहेंगे। जो इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है वो तो वैसे ही किया है, 1 लाइन का क्वेश्चन और 4 आंसर, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज पहले दिया गया है फिर MCQ दिया गया है वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट इसमें क्लियर कट नहीं बोलती है तब तक इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन जितना भी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया MCQ वो मैं आपको करवा दूंगा। नंबर सेकेंड, मॉक टेस्ट पेपर, ये सारा होने के बाद मैं मॉक टेस्ट पेपर भी आपसे कंडक्ट करूंगा। फिर आपका एक रिविजन क्लास जो कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, 1 तारीख से रिविजनरी क्लासेस बहुत डिटेल में करूंगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक से कम, रिविजन से ज़्यादा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कवरेज मिल जाए सब्जेक्ट का। और उसके बाद लास्ट में जाके एक मैराथन लेक्चर भी ले लेंगे एग्जाम से पहले, जिससे पूरा AFM एकदम आपके सामने आ जाए और एकदम माइंड में फिट हो जाए आपका, मेमोरी में। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ लिखवा रहे हैं वो सब चीज़ें होगी धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है ना। सो आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। जिनको बुक्स का बच्चा कहता है सर हमें नई बुक्स लेने की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि नई बुक्स से पढ़ना है तो नए बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल दे दिया है कि जिनको अगर नई बुक्स ऑर्डर करना, हालांकि ज़रूरत नहीं है, अगर आप SFM कर रहे हैं और अमेंडमेंट पार्ट वन पार्ट टू कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है, फिर भी कोई चाहे तो वो AFM का नए बुक्स ऑर्डर कर सकता है। 3 बुक्स तो फिर भी उनको सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेंगे, क्योंकि ये अपडेशन वाला चीज़ है, एग्ज़ाम से पहले भी अपडेशन हो सकता है। RTP MTP अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, इंस्टीट्यूट जो इशू करती है हम अभी भी उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट बहुत क्लियर है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी, तो आप @classbyaj में आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, ये यूज़र ID है और टेलीग्राम का ये यूज़र ID है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को कम से कम करने की, 0 करने की, ताकि आप 100% मार्क्स का टारगेट कर सके। इस बार भी हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 85, 82, इनफैक्ट मतलब इतना टेक्निकल पेपर और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स 80% above, 82%, 83%, 85% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। आप भी इतना ही टारगेट कर सकते हैं, बस जो चीज़ें बताई जा रही है उसको आपको फॉलो करना है, फाइन, और पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है। जितना ये सारी चीज़ जो मैंने बता दी है इससे बाहर नहीं आएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को। ये मतलब ये एक ऐसी तैयारी है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इससे आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कौन सा चैप्टर छोड़ दें, वेटेज क्या है,
अभी तक इंस्टीट्यूट ने हमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताया, आप वेटेज पूछ भी क्यों रहे, आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। इंस्टीट्यूट ने हमें कोई वेटेज नहीं बताया चैप्टर वाइज, बट आप अपने लेवल पर सारी तैयारी अच्छे से कीजिए। सर ये क्वेश्चन छोड़ दे क्या, वो कॉन्सेप्ट छोड़, क्यों छोड़ना है, करी ना, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, हो सकता है आपका एग्जाम भी 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन हो जाए, 1.5 महीना पोस्टपोन हो जाए, 15 दिन पोस्टपोन हो जाए, तो बहुत 15 दिन भी बहुत वाइटल दिन आपको मिल जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जितना है उतने से तैयारी शुरू करो, बहाने बंद काम शुरू। अगर आप अभी भी ठान लेंगे तो मेरा मानना है कि मई में आप, जून में आप CA या CMA जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप 100% मार्क्स तो सिक्योर करेंगे सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में, प्लस आप ग्रुप भी क्लियर करेंगे, सेकंड ग्रुप भी क्लियर करेंगे, रैंक भी लाएंगे और आपका नाम भी होगा। ठीक है, बस आपको मन में ठानना है ये बात कि हो जाएगा, समय वेस्ट मत कीजिए। हाँ, जो वीडियोस हैं वो तो आप सुनने पड़ेंगे, अगर ये वीडियोस नहीं सुनेंगे तो कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप हमारे एंड पे भी बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी करंट बैच चल रहा है, फिर इंटर की बैचेस चल रही है, फिर हमारा आप लोग सारे पुराने स्टूडेंट्स को भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो आप भी थोड़ा सा हमें सहयोग करें। आप पढ़ते रहिए, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, हम बेस्ट करेंगे, आपको भी बेस्ट करना है, खूब जमेगा रन जब दो बेस्ट मिलकर हम इतिहास रचेंगे और 100% मार्क्स और अपने फाइनेंस में अपना करियर बनाएंगे, जिससे हमें करोड़ों रुपए का पैकेज भी मिले, अपनी लाइफ को भी हम बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए सारे ग्रुप लिंक्स को ठीक से पढ़ें और अकॉर्डिंगली सही ग्रुप ज्वाइन करें, सही जगह मैसेज करें। इधर उधर मेल्स और मैसेज करने से क्या होता है कि आपको सही आंसर नहीं मिलता।